रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को लेकर भरी हुंकार। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत भारत में काफी धूमधाम से शुरू हो गई है। वर्ल्ड कप का सभी मुकाबले काफी रोमांचक होते जा रहे हैं। इस मुकाबले में दर्शक स्टेडियम में खचाखच भरे रहते हैं। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। यह मुकाबले काफी दिलचस्प होगा, लेकिन मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दी है। 11 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया था। यह मुकाबला भी काफी रोमांचक रहा। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा एक बेहतरीन अंदाज में नजर आए और अफगानिस्तान टीम को बुरी तरह से पराजित किया। बेहतर लय से नजर आने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपने अगले मुकाबले 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होना है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला होता है, स्टेडियम में दर्शक खचाखच भरे रहते हैं। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप के करियर का 7वां शतक जड़ दिया था। उन्होंने 131 रनों की एक धमाकेदार पारी खेले थे, जिसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड भी मिला था। अब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है। यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। सभी क्रिकेट फैंस का इस मुकाबले पर नजर रहेंगी। दरअसल 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा मुकाबला होना है। यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि उधर बाबर सेना पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इधर रोहित सेना भी कमजोर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुकाबला होता है काफी रोमांचक होता है, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच आपसी मतभेद के साथ साथ बाहरी मतभेद भी काफी रहता है। दोनों टीमें मुकाबले में जी जान लगा देती हैं, लेकिन मुकाबले से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम बाहरी कारकों के बारे में चिंता ना करें और हमें केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे टीमों को बस अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। रोहित शर्मा की बातों से आप कितना सहमत हैं और इंडिया पाक मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।